first been to a licensed digital store one? And if you have been here, how has been your experience? Yes, I have been here. In fact, the last time I was here, I was with Sid. We were doing some stuff for Hussi to Fussi and we had a chance to come to the store. I don't remember if it was this store or some other store, but somewhere in Bombay. And I love it. I told you, I love electronic stores. I love to check out new things that I may want to buy. So I even now I'm like very distracted. I'm looking at things over there and all. So yeah, it's been an amazing experience. I think the people over here are very knowledgeable about stuff and they really help out customers, and that's the best thing. When you need to know, there are so many products in the market, so it's great that they know. Hi, sir. Sorry, Priyanka. Priyanka, बहुत सारी लड़कियां अक्सर शॉपहोलिक होती हैं. ऐसा कुछ है कि आप शॉपहोलिक हैं और कुछ खास तरह की चीजें खरीदना पसंद करते हैं जो आपने करती हैं? हाँ, व्हाइट स्नीकर्स आर माय लाइक बिग वीकनेस. मेरे पास बहुत सारे स्नीकर्स हैं. आई थिंक मे बी मोर देन 200, आई डोंट नो. And I keep buying white sneakers. I get very excited. So yeah, that's my problem area. मेरी प्यारी बिंदु की बहुत तारीफ हुई थी. बहुत अलग किस्म की भी फिल्म थी, बहुत एक्साइटेड भी थे आप, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा कलेक्शन नहीं किया, तो क्या उससे आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड या डिप्रेस हो गई थी या कुछ बता पाए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. आई थिंक एज एन एक्टर यू नो एवरी फिल्म हैज अ 50% चांस ऑफ आइदर वर्किंग और नॉट वर्किंग, या तो हिट होगी या फ्लॉप होगी. तो जब वो काम नहीं करती आपको कुछ टाइम के लिए लगता है अरे काश हो जाती, क्योंकि बहुत मेहनत जाती है, बहुत टाइम जाता है एक फिल्म बनाने में. But you really have to move on from it and you have to start working on it. So I'm working on Golmaal right now, जो अक्टूबर में रिलीज होगी, और मैं सिर्फ उस पर फोकस कर. अच्छा, गोलमाल के बारे में कुछ बता सकते हैं? How is it shaping up? Yeah, it's very exciting. मतलब इतनी बड़ी फिल्म पे, इतने बड़े प्रोजेक्ट पे मैं पहली बार काम कर रही हूँ. इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, रोहित शेट्टी खुद इतने बड़े स्टार डायरेक्टर है, तो इट्स बिन अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. मैंने ऐसी फिल्म सेट पे पहले काम नहीं किया है. कॉमेडी बहुत अलग जॉनर है जो मुझे करने में बहुत मजा आ रहा है. बहुत अलग फिल्म है उनसे जो जिस तरह की फिल्में मैंने करी है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड, फिंगर्स क्रॉस. दिवाली रिलीज है अक्टूबर में एंड अभी बहुत शूटिंग बाकी. हम लोग इनफैक्ट कल से दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं एंड फिर रिलीज होगी, फिर हम उसके बाद बात करेंगे. अच्छा, इससे हटके एक छोटा सा सवाल, मेरा आखिरी सवाल, कि आज से मिडनाइट से बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म लागू होने वाला है देश में, जीएसटी, जो फिल्म इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट करेगा, तो आपकी क्या राय है जीएसटी के बारे में और किस तरह से आपको लगता है? क्योंकि सिद्धार्थ रॉय कपूर जो है प्रोड्यूसर्स बॉडी के जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि ये इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली फिल्म इंडस्ट्री को, टिकट महंगे हो जाएंगे और वेरियस तरीके से इम्पैक्ट करेगा. आपको क्या लगता है कि क्या होगा? सिड ने क्या कहा मुझे एक्चुअली नहीं पता उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं एज एनी अदर सिटीजन, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो हम चुपचाप फॉलो करते हैं, क्योंकि वो लोग ये कंट्री चला रहे हैं, हम लोग सिर्फ सिटीजन हैं. सो आई डोंट हैव एनी स्पेशल राय. जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि मेरे पे पर्सनली क्या नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, नथिंग. आई जस्ट होप कि जिन लोगों को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने इनफ सोचा है और वो उसका ध्यान रखेंगे. आई होप ये जल्दी में एक्शन नहीं लिया गया, दैट्स ऑल. हाय परी. हाय. तो माय फेवरेट. थैंक यू. तो परी जी, आज तो मौका भी है, तो आज आप बता दीजिए कि आपके सेलफोन के वॉलपेपर पे किसकी फोटो रखती है? वाओ, आओ दिखाओ मेरा सेलफोन किधर है. अजय जी को बोलू? अजय जी इस टाइम भाग गए घर, वो कंफ्यूज है. मैं वो इंसान हूँ जो सेलफोन के वॉलपेपर पे कुछ नहीं रखती. मैं एक प्लेन बैकग्राउंड का फोटो लेती हूँ, या तो ब्लैक या व्हाइट या रेड, और वो मेरा वॉलपेपर होता है, क्योंकि मुझे फोन बहुत क्लीन रखने में मजा आता है. तो इनफैक्ट मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत इरिटेट भी होते हैं कि ये क्या है, कोई फन से इतने अच्छे अच्छे फोटोज हैं वो क्यों नहीं रखते. बट आई लाइक इट वेरी क्लीन. मैं आइकन्स को भी एक एक पेज पे एक एक आइकन रखती हूँ, सब कुछ साफ होना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है मेरे फोन के बारे में. लेकिन मैं तुम्हारा जरूर रखूंगी, तुम तो मुझे फोटो भेजो. हाय प्रतिनिधि. हाय प्रतिनिधि. गोलमाल आप कर रही हैं, रोहित शेट्टी की फिल्म है, क्या आप
एक्शन करते हुए भी नजर आएंगे क्योंकि उनका खास एक्शन ही है, तो क्या नहीं एक्चुअली इतना ज्यादा एक्शन इस फिल्म में नहीं है मेरे लिए. ऑफकोर्स एक्शन है लेकिन इट्स मोस्टली अ कॉमेडी फिल्म ऑफकोर्स, लेकिन गोलमाल में जो फन एक्शन होता है वो भी है लेकिन नॉट सो मच माइंड. ऑल्सो परिणीति जानना चाहूंगी, ऐसी खबरें हैं कि आप विकास बहल की फिल्म कर रही हैं विद ऋतिक रोशन, हाउ मच इज ट्रू दैट? हाउ मच नॉट ट्रू, क्योंकि ऐसा हम लोग आजकल बांद्रा में कहीं पर भी घूमते हैं तो आप लोग सब हमारे दोस्त हमारे साथ साथ ही घर से निकलते हैं, आप लोगों को पता है ये बात. तो कभी हम अगर गलती से लंच पे भी चले जाते हैं तो ऐसा लगता है हम फिल्म साइन करके ही बाहर निकले, तो ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों. तो नहीं ऐसा नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू मीट विकास फॉर सम अदर वर्क, बट आई बिलीव ही स्टार्टिंग हिज फिल्म एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. परिणीति हाय, एक फिल्म के लिए बहुत मेहनत करते हैं स्टार्स, प्रोडक्शन टीम, सभी लोग, लेकिन बाद में CBFC की चीजें होती हैं, कट कर दिया जाता है. जैसे हाल ही में शाहरुख की फिल्म हैरीमेड सीजल की जो इन द कॉज वर्ड है उसके लिए 1 लाख वोट अगर आप करें तो वो फिल्म में या तो प्रोमो में या तो टीवी पे दिखाए जाएंगे, और वोट लोगों ने किए हैं 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं. क्या कहेंगी कि ऐसी चीजें जब होती है एक वर्ड को लेकर फिल्म के प्रोमो में हटाने की बात की जाती है, पर्सनली आपकी क्या राय? आई थिंक वी स्टार्टेड ओवर थिंकिंग थिंग्स. मुझे ऐसा लगता है कि ये सही बात है कि काफ़ी चीज़ें सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं और फिल्म सोसाइटी को बहुत इम्पैक्ट करती हैं, और ये सही है कि फिल्म से अगर ऐसा कुछ हम दिखा रहे हैं जिससे बच्चों को या नॉर्मली हम सबको अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो डेफिनेटली फिल्म में नहीं होना चाहिए क्योंकि फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए होती है. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हम लोग ओवर थिंक कर रहे हैं. मैं किसी का नाम नहीं लूंगी बट आई फील दैट वी आर बिकमिंग ओवर स्ट्रिक्ट एंड समवेयर वी आर गोइंग अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ मेकिंग फिल्म. यू नो फिल्म आर लार्जर देन लाइफ, उसमें हम ऐसी चीजें दिखाते हैं जो जिंदगी में नहीं होती है, लेकिन उसको हम जब ओवर थिंक करेंगे और बहुत कुछ काटने लगेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी. यू नो एंड वी शुड रियली अलाउ दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. यू नो वी शुड रियली अलाउ फिल्म मेकर्स टू यूज द इमेजिनेटिव माइंड टू एंटरटेन यू ऑल ओनली. सो आई फील आई थिंक वी स्टार्टेड ओवर थिंकिंग, दैट्स व्हाट आई फील. With you, members of the media, last question होगा. नमस्ते लंदन भी आप कर रही हैं, ऐसी खबरें हैं. Oh wow, amazing. कब? Please, मैं जो मेरी अगली फिल्म जो आने वाली है वो मैं अगले हफ्ते अनाउंस करने वाली हूँ. तो गोलमाल के अलावा that's the one film that I'm doing and any other announcements please let us make. Not Bandra. ये जो Bandra का local newspaper एक खुला है आजकल. Oh.